बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ ग्रेवी वाली यमी रोटी की सब्ज़ी रेडी हो गई है। अभी ना आज सब लोग पापा उस साइड में सो रहे, फिर रामदेव ओम यहाँ पे है, फिर मेरी मम्मी एंड सिवंदर है। तो सब अलग अलग जहाँ जिसको कंफर्टेबल लग रहा है, जहाँ अच्छी हवा आ रही है, क्योंकि लाइट नहीं है ना तो अंदर गर्मी हो रही है थोड़ी सी। लेकिन मेरी मम्मी एंड सिव तो ठीक है, पंखा चल रहा है, अभी इन्वर्टर है, लेकिन हमने बाकी सब कुछ बंद कर दिया है इन्वर्टर की बैटरी को बचा के रखने के लिए। इन्वर्टर की बैटरी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है हमारे लिए अभी। हाँ, और हवा तो अभी भी चल रही है। हाँ, गर्मी नहीं होगी आज रात, इतनी चलेगी कल दिन को, कल शाम को थोड़ी सी बढ़ेगी और क्योंकि 70-80 की स्पीड में पवन चलेगा ही चलेगा। चारपाई यहाँ से कहाँ मजा आ रहा है तुम लोगों को? अभी 12 बज गए ऑलरेडी। बंद कर दो फिर, अब सो जाना। गुड नाइट। अभी रामदेव ओम वहाँ पे सो रहे, शिव एंड मम्मी यहाँ पे सो रहे, पापा बाहर है। मुझे अभी थोड़ा सा एडिटिंग ख़त्म करना है, वो मैं कर देती हूँ क्योंकि आज नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी, वरना सुबह फिर इन्वर्टर में बैटरी नहीं होगी, फिर वीडियो अपलोड नहीं होगा। तो ये काम अभी ख़त्म करना ज़रूरी है। अभी 12:15 बजे, मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ, लेकिन इतनी नहीं हूँ कि अभी सो जाऊँ। जब ऐसा लगेगा तो सो जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा हो सके इतना जल्दी ख़त्म। राम राम सीताराम सबको। तो अभी कल रात को लाइट नहीं थी, तो अभी तो इतनी हवा नहीं चल रही थी, अभी हवा भी ज़्यादा हो रही है। और थैंक्स हो। और अभी बारिश भी आ रही है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर जाके। तो अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। हाँ, बारिश आ गई है। बारिश ओम पकड़ो इसको। आज सुबह से थोड़ी थोड़ी हवा तो चल रही है, लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हुई है। ले जाए एक लेते ले ओली कौन ले धोती ले। तो अभी सब कुछ सारा अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि बारिश की वार्निंग्स भी है साथ में। तो इस साइड से तो बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसा दिख रहा है अभी। घर में जाओ जी, आ रखो तो बेहवा था है ना, बेहवा था है ना, अंदर तक कहीं बेहा ही नहीं। यहाँ पे रख देते अभी। और जो हमारा खेत का काम चल रहा है वो भी कंटिन्यू है। तो अभी वाली बहन को जाना है घर, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ पड़ा होगा चीज़ें। ओम तुम्हारा ये ले लो बोर्ड। और बारिश आ रही है अभी। मम्मा खाना है ना? यस। बारिश आती, बारिश में कोई नहाइयो ना जाए, पहली बार बारिश में नहाना है। हाँ? नहीं रिश्ला वालों ने तो ही खेना किया है। ए मम्मा नहीं 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 रिश्ला वालों ने इतना नहीं। अभी आज सुबह से ना इतना नहीं हवा चल रही थी, अभी बहुत ही ज़्यादा हवा फिर से स्टार्ट हो गई है। पता नहीं अभी बारिश सब कुछ साथ में होगा, लाइट तो कल से है ही नहीं। तो अभी वीडियो हम शूट करें, पता नहीं कब अपलोड कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी हवा स्टार्ट हो गई है। टां टां टां। अभी ना वो पूरा भीग जाएगा टावल में। अभी शिव को नहला रहे, शिव ने नई नई कर ली यहाँ पे। और भाई लेके आए, चलो चलो नई नई हो गई। ओके, तो अभी ना वाली बहन नहीं है, तो मुझे रोटी भी बनानी है जल्दी जल्दी। और रामदेव और हमारे वर्कर सुबह से काम कर रहे, लेकिन वो हम दिखा नहीं पा रहे। अभी मैं दिखाती हूँ, जो वायर लगाने का काम है वो। और शिव अभी सो जाएगा और देखते हैं अभी क्या। अभी के लिए फिर थोड़ा सा शांत हो गया, फिर हवा चलती है बहुत ज़्यादा, फिर शांत हो जाता है। लेकिन कल का दिन निकल जाए तो पूरा ये साइक्लोन शांत हो जाए, तो हम सबको भी कुछ टेंशन ना रहे। यहाँ पे एक मेरा छोटू बच्चा सो गया है, एक छोटू बच्चा अभी खा रहा है, और वहाँ पे और छोटे बच्चे बहुत सारे खिचड़ी खा रहे हैं। देखा चकिया चाहिए तो सीधा पानी का स्टोर करना है। बर्तन पड़े हैं वो जल्दी जल्दी है, और मम्मी सारा काम खत्म कर देते हैं इससे पहले ही लाइट चली जाए वापस। कॉफ़ी और थोड़ी सी और आपको दिख रहा होगा हमारी चिकूरी के पास थी। आज ना सारे ये बर्ड्स ने खिचड़ी खा ली है अच्छे से। यहाँ पे एक बेबी है जो भी इंतज़ार कर रहा है खिचड़ी का अंदर। वस्ता भाई अभी वहाँ से वो लाइट निकाल रहे क्योंकि बहुत हवा चल सकती है तो वो आ सकती है नीचे, टूट सकती है इसलिए। अभी इस टाइम से ना रात तक, इवनिंग तक ये हवा चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। इससे ज़्यादा होगी लेकिन डेफिनेटली कम तो नहीं होगी क्योंकि अभी जैसे टाइम जा रहा है वैसे हमारे पास से गुजरने वाला है साइक्लोन, तो इतनी हवा तो डेफिनेटली रहेगी। ये बहुत शार्प होता है तो इसको ध्यान रखना पड़ता है। ओके, यहाँ पे लगा दिया पूरा ना। कुछ बताइए इसके बारे में आप। इसका मेन इंजीनियर ही मैं हूँ वैसे पूरे काम का, और काम करवाने वाली ये मैडम जी है। इनका यहाँ पे बड़ा फार्म हाउस है तो यहाँ पे हम लोग आए हैं काम करने। वैसे इनके हस्बैंड काफ़ी अच्छे इंसान है। आपके जो हस्बैंड है, जो आपके हस्बैंड जी है वो काफ़ी अच्छे इंसान है। और हमारे हस्बैंड के वाइफ है वो, आपके हस्बैंड की जो वाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी है इंसान। तो आगे जाके बड़ा इंसान। वो एक शो आ रहा था ना, इसमें बोल रहे थे नहीं अभी ये वायर का जुगाड़ हमने फाइनली पूरे जो खंभे लगाने थे वो लगा दिए, तो अभी वायर का जुगाड़, इसको हम थांभली बोलते हैं वैसे हमारी लैंग्वेज में। थांभली सीमेंट की होती है तो उसको गुड़द भी बोलते हैं, पता नहीं गुड़द क्यों बोलते हैं, पेडिया बोलते हैं हाँ, लेकिन खंभा भी बोल सकते हैं कि ये छोटा खंभा है जिसमें अब फेंसिंग होगी, तार फेंसिंग। और वायर में लाया था, ये टाटा कंपनी का है। टाटा कंपनी का है, इसमें जंग नहीं लगेगा। चलो पकड़ो, ये खींचे जाएंगे, खुलता जाएगा यहाँ से धीरे धीरे करके। करण भाई भी आए, अवस्था भाई है। अभी मम्मी बर्तन वॉश कर रहे हैं, मैं खाना रेडी कर रही हूँ। और इतनी अभी हवा चल रही है, फिर से थोड़ी सी बारिश भी आई और वहाँ पे वस्ता भाई एंड ओम दोनों पानी डाल रहे हैं ताकि ये पूरा वहाँ से ज़्यादा मिट्टी ना आए इस साइड में। और अभी हवा बहुत चल रही है। और वहाँ पे रामदेव और जो हमारे वर्कर्स सब काम कर रहे हैं, वो काम ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो गया होगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे बर्तन वॉश कर दे रहे, इसमें मैंने प्याज एंड ग्रीन चिलीज ऑलरेडी ऐड कर दी है। ये मैं बना रही हूँ रोटी की सब्ज़ी, जो हमारी रोटियाँ बचती है ना दोपहर की या जो भी, उसको क्या करते हैं ऐसे छोटे पीसेस कर दिए। इसमें मैं तड़का लगा देती हूँ इसका, और इसके बाद इसमें छाछ या दही कुछ भी ऊपर से ऐड करके इसको अच्छे से ये इसमें पकाना है। टाइम नहीं लगता, 5-7 मिनट में ये सब्ज़ी बन जाती है। इसमें आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ ग्रीन चिलीज ऐड की है। तो ये 2 राउंड जो करने थे, तो यहाँ से पूरा ये वाला, यहाँ से हमारा जो आम का पेड़ है वहाँ तक का एक साइड का पूरी बॉर्डर हो गई है, अभी दूसरी साइड की बाकी है। तो बहुत मेहनत कर रहा है हम अभी 2-3 दिन से ये बॉर्डर बनाने के पीछे। तो ऐसे करके पूरे बॉर्डर से ये काम चल रहा है। अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ है इस साइड का, और इसका ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हाथ में लगता है तो सीधा खून निकल सकता है। नीलेश भाई थे, करण भाई है हमारे वर्कर, और रामदेव। लागे थे दावा में मोजा का जो है, ये इसका ध्यान रखते रखते भी लग ही जाता है कहीं ना कहीं। रामदेव को लगा 2-3 जगह में, 4-5 जगह। तो अभी ये अच्छे से इसमें पूरी टोस्ट हो गई है। अभी मैं इसमें छाछ ऐड कर दूंगी, और ये ऐसे भी खा सकते हैं, और इसमें मैं भी छाछ ऐड कर रही हूँ। तो अभी ये 2 मिनट पक जाए ऐसे, तो ये सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। मैंने इसमें ऑलरेडी 2 कटोरियों जितनी छाछ ऐड कर दी है, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। अगर इसको क्रिस्पी रखना है तो छाछ नहीं ऐड करनी होती है। फिर हम देखो भी भूख लगी होगी, शायद करण भाई भी खाएगा, तो दोनों को मैं ये खाना देती हूँ। और वहाँ पे ओम नखरे कर रहा है और शिव एंजॉय कर रहा है। तो अभी ये सब्ज़ी हो गई है रेडी रोटी की। इसमें थोड़ी सी और छाछ ऐड करनी पड़ी थी, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ ग्रेवी वाली यमी रोटी की सब्ज़ी रेडी हो गई है। बंद करी थी ले जावा दे। तो यहाँ पे वायर है, और वहाँ पे बाहू है, और ये उसके पोल है, और यहाँ पे मम्मी है और शिव है। अरे बाहू बाहू। तो अभी हम जा रहे हैं वापस। अभी ऐसा वायर लगा रहे हैं, अभी दूसरी लाइन भी ऊपर आएगी। तो जो भी एनिमल्स आते हैं, हमारा जो फसल लगाते हैं, उसको बिगाड़ेंगे नहीं। तो बहुत मेहनत का काम था, 3-4 दिन से इसके पीछे थे। अभी खत्म होने वाला है, और शिव ने माइक ले लिया है। थोड़ा सा जो साउंड आता है वो आई थिंक कैप्चर हो गया, पता नहीं क्या इसका आवाज़ आएगा, शिव के टंग की आवाज़। तो अभी जाते हैं। और शिव को ना बर्ड्स इतने पसंद है, कोई बर्ड्स उड़ के जाता है ना तो उसको फॉलो करता है, देखता है और हंसता है। और अभी इतनी हवा नहीं चल रही है, तो शायद साइक्लोन अभी चला ही जाए, ना आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना है, और किसी को नुकसान ना करे। 2 टाइम्स बारिश आई, यस, लेकिन थोड़ी थोड़ी। दूसरी बार तो मैं कैमरा लेने गई, तब तक तो खत्म हो गई। ओम बहुत सेलिब्रेशन कर रहा था कि बारिश आ गई बारिश आ गई, लेकिन तब तक तो खत्म ही हो गई। नेक्स्ट टाइम बारिश आएगी तब तुम नहाना, ओके? पहले भी ऐसा ही करते थे, जब ओम छोटा था ना, बारिश आती है और पूरे आंगन में दौड़ता था ओम, दौड़ता था कि चलो बारिश आ गई ऐसे करके। से हवा इतनी चल रही है। अभी ओम वहाँ से बुलाने की कोशिश कर रहा है शिव को, लेकिन शिव को शायद इतनी हवा में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वहाँ से। अभी भीम को दूध पीना है। गुड नाइट। तो अभी जो काम था बॉर्डर का वो हो गया है खत्म। शिव सो गया है ऑलरेडी यहाँ पे। ओम यहाँ पे, ओम को खेलना होता है, फैमिली टाइम होता है ना, तो गेम खेलनी होती है। और रामदेव भी आज थक चुके हो ना? लेकिन थोड़ा बहुत थका, इतना मतलब ऐसा नहीं है कि अभी सो जाऊंगा, इतना तो नहीं थका लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। पूरा दिन था आज और बहुत लंबा दिन था, तो अभी टेंशन नहीं है। कल है आधा दिन काम, उसके बाद फ्री है, जब तक बारिश हो और फिर मूँगफली लगानी है तब तक। मम्मी पापा, मम्मी यहाँ पे हैं लेकिन दिखेंगे नहीं शायद, अंधेरा है। तो पापा यहाँ पे उनकी जगह पे, लेकिन वो अभी आएंगे इस तरफ शायद। और अंधेरा है सब जगह पूरे एरिया में, क्योंकि लाइट बंद कर देते, क्योंकि तेज़ हवा की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकती है वरना। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय श्री राम।